आप भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपने पिछले काफ़ी टाइम से क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया है, आपको रिकवरी एजेंट कॉल करके कह रहे हैं अगर आप भुगतान नहीं करते हैं जल्द से जल्द हम आपके ऊपर 138 का केस कर देंगे, आपको हम 2 से 3 साल के लिए जेल भेज देंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कोई बैंक और NBFC अगर व्यक्ति उनके क्रेडिट कार्ड का भुगतान ना करे उनको जेल भेज भी पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, उनके ऊपर 138 का केस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं जो आपको इस वीडियो में यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आपको लगता है हम आपके लिए काफ़ी जेन्युइन और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी वीडियोस में, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आजकल मैंने देखा है अगर कोई भी व्यक्ति लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट करता है और वो पे नहीं कर पाता है, उसके पास में पूरे तरीके से गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं जिस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उनको कुछ व्यक्ति ये सजेस्ट करते हैं कि भाई तू अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दे और फिर उसके बाद में जब तेरे पास पैसा वगैरह आए तो पर्सनल लोन वगैरह जो तेरा डिफ़ॉल्ट है तो उसका पेमेंट कर देना। व्यक्ति ऐसा ही करता है और व्यक्ति को एक आदत सी पड़ जाती है कि हाँ भाई अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हम इजीली कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह से इसमें फंस जाता है, व्यक्ति ना तो फिर पर्सनल लोन चुका पाता है और ना ही क्रेडिट कार्ड का लोन चुका पाता है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विनय कुमार, जो कि एक NBFC से लोन लिए थे आज से 3 साल पहले। वो 1 साल तक अपने लोन को कंटिन्यू पे कर पाए लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई वो पेमेंट नहीं कर पाए 1 साल बाद। उसके बाद में उनके ऑफिस वालों ने उन्हें कुछ ऐसा सजेशन दिया कि भाई आप क्रेडिट कार्ड ले लो, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप वरना पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और एक क्रेडिट कार्ड उनके पास में ऑलरेडी था, उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड से ही अपने लोन्स का भुगतान करना शुरू कर दिया। परिस्थिति ऐसी बन गई वो पूरी तरह से ना तो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट चुका पाए और ना ही लोन का अमाउंट पूरी तरह से चुका पाए। जब दोनों का अमाउंट नहीं चुका पाए उसके बाद में पहले तो उनको मिनिमम अमाउंट के नाम पर लूटा गया, फिर उनसे पूरी तरह से बहुत पैसा इन्होंने लूट लिया, मिनिमम अमाउंट ये पे करते रहते थे। और अब परिस्थिति ये बन गई है, इनको धमकियाँ मिल रही हैं, इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या। देखिए अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से और आपने क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए मतलब पूरी तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा ना करें, आप पूरी तरह से एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। देखिए आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं आपने देखा होगा आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड हमारा ले लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड का अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं 49 डेज़ बाद तो आपके ऊपर 60% से भी अधिक अमाउंट का पूरी तरह से ब्याज वगैरह लगा लिया जाता है और वही ब्याज फिर आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी क्रिएट करता है। अगर आप किसी बैंक और NBFC का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसमें कुछ आप क्रिमिनलिटी नहीं कर रहे हैं। आप अगर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में समस्या आई हुई है और ये सबके पास में समस्या आ जाती है। इस केसेस में आपके ऊपर ना तो कोई केस होगा, भाई आपके पास में पैसा ही नहीं है जब कहाँ से आप देंगे, कोई बैंक और NBFC वाले क्या आपके ऊपर केस करेंगे, और ना ही आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी, बस रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे। तो आप इमीडिएट पैसा देना बंद कर दीजिए। आप ये मत कीजिए कि आपने पर्सनल लोन चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड से पूरे तरीके से अमाउंट ले लिया, आपने किसी बैंक और से क्रेडिट कार्ड का पूरी तरह से बनवा करके उसका पूरी तरह से अमाउंट नहीं चुका पाए, आप उसका लेने के बाद में उससे दे दिया, उसका लेने के बाद में उससे दे दिया, ये आपको एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा देगा। 90% केसेस में मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड देते हुए कोई भी बैंक और NBFC आपसे ना तो कोई चेक लेता है और ना ही कोई
नैच वगैरह साइन कराता है, तो ये कहाँ से आपके ऊपर 138 का केस कर देंगे। आपने कोई चेक भी नहीं दिया और ना ही आपने कोई नैच साइन वगैरह करके दिया है, तो फिर आपके ऊपर तो केस होगा ही नहीं। अगर आपने नैच साइन करके दे दिया है, आपने चेक पूरी तरह से मतलब दे दिया है, तो भाई आपके ऊपर हो सकता है केस और आपको 2 से 3 साल की जेल भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने दिया है, अगर नहीं दिया है तो कोई जेल नहीं होगी, कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपको कॉल करके परेशान किया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी में नहीं आना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो ये बैंक और NBFCs के जो रिकवरी एजेंट हैं, कुछ भी करते रहें, कोई इससे दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहते रहें, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आशा करते हैं अब आप किसी भी बैंक और NBFC से कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेंगे, जहाँ तक आपको पता ही है 60% तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है 49 डेज़ बाद, और आप एक लोन को चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करेंगे। वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, ईमेल बॉक्स खुला है, आप एक्स पर जाकर के भी हमें पूरे तरीके से सुझाव दे सकते हैं। ट्विटर जो है अब वो एक्स हो गया है, तो उसको पूरे तरीके से अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो @jajanshakti टाइप करेंगे तो आपको एक्स पर भी हम मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप पूरी तरह से अपने जो सुझाव हैं हमारे लिए दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल कंसर्न करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपना कंसर्न हमें बताना चाहते हैं पर्सनल में, वो हमें ईमेल के ज़रिए अपना इशू बताएं, जैसे कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका करंट इशू। उसके बाद में उनका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा और उनको 24 to 72 hours के अंदर बता दिया जाएगा कि हम उनको कैसे संपर्क करेंगे और हमारा कॉलिंग का टाइम क्या होगा और डेट क्या होगी। प्रॉपर तरीके से उनका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक हमें छोटी सी राशि पे करनी पड़ेगी और तभी आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ईमेल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो व्यक्ति हमें कॉमेंट कर सकते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है। अधिक कॉमेंट हुए तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देंगे और अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।